यार ये जो हिल बैटल का काम करा यहाँ पे, ये वहाँ काम करता, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज काफी हो सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो खत्म हो चुकी है। आज के दिन के मैचेस खत्म हो चुके हैं, तो चलिए नजर डालते हैं ओवरऑल रैंकिंग्स के ऊपर, जहाँ पे ओआर ईस्पोर्ट्स एक बार फिर से हमको नजर आती है फर्स्ट पोजीशन पर। हमने ये पहले भी देखा था हमारे जो ओपनिंग लीग वीक के मैचेस थे उसमें, और टीम सोल इस वक्त सेकंड पर देखने को मिलती है। देखिए रेफनेंट ने सिर्फ एक ही गेम खेला और उस गेम को काउंट करवाया, ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 20 अंक निकाले, तो डेफिनेटली मैं देखना चाहता हूँ कि कल रेवनेंट का प्रदर्शन किस तरीके से रहता है। बट अगर बात करें दूसरे टीमों की, TSM कहीं ना कहीं आई थिंक फर्स्ट गेम इरांगल का एक जो वांटेड का क्लच देखने को मिला था इटबिट के अगेंस्ट, दैट वाज जस्ट अबाउट इट। उसके अलावा मुझे कुछ और स्पेशल नहीं देखने को मिला। I mean definitely थोड़ा सा आई गेस टाइम लगेगा यहाँ पे टीम को टू जस्ट गेट इनटू दैट मेंटल स्टेट ऑफ माइंड कि किस तरह से इस फॉर्मेट के अंदर उनको परफॉर्म करना है और किस तरह से टीम को बाकी की टीम्स को हैंडल करना है, क्योंकि अगेन एक दिन में जैसा हमने देखा ग्रुप ए के भी दो ही मैचेस थे, ग्रुप सी सिर्फ एक मैच के लिए आया, फिक्सेस आपने मेंशन किया ना, अगेन